हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। हमारे एक्सरसाइज चल रहे थे 3.4, जिसके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पिछली वीडियो में कम्प्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले की वीडियो हम नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है उसका फोटो खींचेंगे और मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, ठीक है। उसका आंसर मैं टेलीग्राम पर ही आपको दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 6 का संबंध 21 से है तो 3 का संबंध किससे होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी तरीका लग सकता है। आपको सारे तरीके ध्यान में रखने हैं कि किस क्वेश्चन में कोई भी तरीका लग सकता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल आपका दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, आपके कैचिंग क्षमता आपकी कैसी है, जो आप एकदम क्वेश्चन को कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करा है, 6 को क्या लिखा गया, 21 लिखा गया है, तो इसने पूछा 3 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला रूल मैंने बताया था, 6 को 21 करने के लिए क्या करा है इसने, 15 ऐड करा। इसमें 6 में 15 ऐड करा, 21 हो गया। तो ये रूल मुझे आगे अप्लाई करना पड़ेगा, 3 में 15 ऐड करूँगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 15 3 18 18 18 देखेंगे, 18 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं ये रूल लाइव नहीं भी लगता है, ठीक है, किसी वजह से हो सकता था, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 18 ऑप्शन में नहीं मिलता, कुछ और भी आंसर हो सकता था, ठीक है। तो उसमें ट्रिक अलग लगती, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। क्या हो जाएगा, 18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बाईस कहता है 365 का संबंध 90 से है तो 623 का संबंध किससे है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बताया ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज़्यादा ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो आपने देखा 365 को 90 कैसे लिखा इसने, तो आपने क्या करा, 365 को इसने इस तरीके से करा, इनकी आपस में सबकी गुणा कर दी, ठीक है, 3 की 6 की 5 की आपस में गुणा कर दी। जब आप गुणा करोगे, 3 6 18 18 5 90, ठीक है। ये रूल मुझे यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेगा 623 में, 6 2 3 आपस में क्या करनी पड़ेगी, नहीं मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 12 3 36, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, कोई भी रूल किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, आपको क्वेश्चन में क्या रूल लग सकता है, ठीक है, किस तरीके से आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इसमें लिखा 248 का संबंध 3 से है तो 328 का संबंध किससे है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख इन क्वेश्चन को देखते ही आपके विद इन सेकेंड आंसर आ जाता है इनका, ठीक है, 1 से 2 सेकंड में इनका आंसर आ जाता है बिल्कुल आसानी से, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आप देखोगे शुरू की दो डिजिट को तीसरी डिजिट से डिवाइड करा गया, ठीक है। शुरू की दो डिजिट कौन सी, 24, तीसरी डिजिट से डिवाइड करा गया 8 से, तो कितनी बार जाएगा, 3, तो ये 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके शुरू की दो डिजिट को 32 को तीसरी से डिवाइड करा गया है, कितनी बार डिवाइड होगा, 4, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा रूल किस क्वेश्चन में लग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 212 का संबंध 436 से है तो 560 का संबंध किससे होगा, ठीक है। 212 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ का संबंध किससे था, 436 से, ठीक है। तो इसने पूछा था 560 का संबंध किससे होगा, ठीक है, ये बताना था यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने देखा 212 से 436 होने के लिए कितना ऐड करा गया है, पहले तो मैं ऐड देखूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा या किसके आपने देखा 200 के आसपास इसमें जोड़ा गया है, तो आपने देखा अगर मैं 500 में 200 के आसपास जोड़ूंगा तो 700 के आसपास आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन इन्हें दे रखे हैं 700 के आसपास ही, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ जोड़ना घटाना इसमें हुआ है, आपके दिमाग में एकदम आ जाए कि कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा ही गया है, ठीक है। तो आपने देखा 212 में कितना जोड़ा, 436 करने के लिए,
तो आप बताओगे सर 224 जोड़ा, ठीक है, कितना जोड़ा, 224 जोड़ा। तो मैं कहूँगा 560 में 224 जोड़ो। तो आपने जब 224 जोड़ा 560 में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 784, ठीक है, कितना हो जाएगा, 784। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 145, 195, 17, ठीक है। अगर आप में थोड़ा भी दिमाग है ना, थोड़ा सा भी अगर आप में दिमाग है, तो आप पहली बात ये सोचोगे, पहली बात क्या सोचोगे, आप अगर सोचोगे कि यार 145 से 195 होने के लिए कितना ऐड करा गया, तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा 50 ऐड करा गया, ठीक है। आपके दिमाग में एकदम आंसर, अगर मैं 17 में 50 ऐड करूँगा तो आंसर नहीं मिलेगा। विद इन सेकेंड आप ये समझ लोगे कि 17 में अगर मैं 50 जोड़ूंगा तब तो आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि हाईएस्ट 42 तक आंसर है, ठीक है। तो ये रूल तो हमारा अपना फॉलो नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके दिमाग में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि 145 किसी के आसपास का वर्ग है, ठीक है, 145 किसी के आसपास का वर्ग है। आपको क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये शब्द जो दे रखे हैं, ये अक्षर जो दे रखे हैं, ये भी जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, ये किसी का वर्ग तो नहीं है, या किसी के वर्ग के आसपास तो नहीं है। आपके दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए, ठीक है। जब आप देखो 145, तो आपके दिमाग में आएगा ये 12 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तो 145 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस 1 145। इसी प्रकार अब जब यहाँ पर देखेंगे आप, तो आप देखेंगे यार 14 का वर्ग माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 14 का वर्ग 196 होता है ना, 14 का वर्ग 196 होता है, माइनस 1 195, ठीक है। आपने देखा यही रूल, जो रूल यहाँ पर अपनाया, जो रूल यहाँ पर अपनाया, वही रूल हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो 17 किस तरीके से आएगा, तो आपने किसका वर्ग करा, 4 का वर्ग करा प्लस 1, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगली बार क्या करेंगे, यहाँ पे 12 करा था वर्ग, यहाँ पे 14 करा था, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का गया, तो यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस 1 करा था, यहाँ माइनस 1 करा था, यहाँ प्लस 1 कर दे तो यहाँ माइनस 1 करेंगे, 6 का वर्ग 36 माइनस 1 कितना आएगा, 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ठीक से समझिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको समझने में थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको क्या देखना है, आपको देखना है 3222 का संबंध 7222 से है, तो 3223 का संबंध किससे होगा, ठीक है। पहला रूल मैंने अपना बता ही दिया आपको, क्या बताया था मैंने पहला रूल, आपको ये देखना है कितना ऐड किया गया है, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, आपकी आंखों में क्वेश्चन हो जाएगा, आप देखते समझ जाओगे, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने देखा 3222 से 7222 करने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ा, तो आप बोलोगे 4000 ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 4000 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 4000 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7323। आपने देखा कहीं ऑप्शन है ये, आपने देखा ऑप्शन नहीं है ये, तो ये वाला रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। अगर ये किसी भी ऑप्शन में 7323 होता तो वो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा। तो रूल कौन सा लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको देखा, मैंने यहाँ पर बताता हूँ 3222, ठीक है, इसे क्या लिखा गया है, 7222, ठीक है, ये रूल यहाँ पे अपनाया गया है। तो इसने पूछा था, ये रूल अपने पहले मैं इसमें आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या गया, ठीक है। तो इसने 3 से कितना कराया, 7 कराया, ठीक है, तो कितना ऐड कराया है, इसने कितना ऐड कराया है, 4 ऐड कराया, ठीक है, और जो संख्याएं थी वो ऐसी रही, ओनली 3 जहाँ भी होगा उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब है जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, और 2 अगर कहीं भी है तो उसे ऐसे ही लिखा रहने देना है। तो ये रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है, ये रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे, इसमें 3 3 2 3, ठीक है, कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, इसमें 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7, और इसको 2 को ऐसे लिखा रहने देना है, और 3 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7, तो 7727 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस SI में, ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को भी, इसमें क्या रोल लग सकता था। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा 130 को क्या लिखा गया है, 68। हमने देखा 130 68, कहीं 130 के आधे के आसपास है 68। ठीक है, 68 जो देखा हमने, क्या है ये, 130 के आधे के आसपास है कहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें अगर अंदाजा भी आप लगाओगे, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे, तो आपको आंसर भी वही टिक करना पड़ेगा जो 350 के हाफ के आसपास होगा। ठीक है, 350 के आधे के आसपास होगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको डायरेक्टली दिख जाएगा अगर आप तुक्का भी मारोगे तो। ठीक है, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना था, 130 था, ठीक है, इसका आधा करना था, तो कितना हो जाएगा, 2 से जब काटोगे, 2 6 12 बचे थे, कितना बचा, 1 बचा, 2 5 10, ठीक है, 65। इसका आधा करना था और उसमें 3 ऐड करना था। ठीक है, इसका आधा करना था उसमें 3 ऐड करना था, कितना आएगा, 68। वही रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, 350 का आधा करना है। ठीक है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ही करना, 2 बचे कितने, 1 2 7 14 और 2 5 10। ठीक है, और क्या करना था, 3 ऐड करना था, तो कितना आ जाएगा, 178। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक रूल मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है, इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या देखना, जब भी आपको संख्याएं दिखाई दे तो आपको देखना है ये संख्याएं किसी के वर्ग के आसपास तो नहीं है, वर्ग के या घन के आसपास तो नहीं है किसी के। ठीक है, तो जब आपने 48 देखा तो आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि ये 7 के वर्ग के आसपास है, 7 का वर्ग किया गया और -1 किया गया है। ठीक है, 7 का वर्ग किया गया और 1 माइनस किया गया। ठीक है, उसी प्रकार आगे आ जाना चाहिए आपका, आपको क्या आना चाहिए कि 11 का वर्ग किया गया है और 1 ऐड किया गया है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब पहले 7 का वर्ग फिर 11 का वर्ग। ठीक है, 7 का वर्ग करा पहले, -1 करा, फिर 11 का वर्ग करा, फिर +1 करा। ठीक है, आगे भी हम यही रूल अपनाएंगे। यहाँ पे आपने देखा ये किसका वर्ग करा, आप बोलोगे सर 13 का वर्ग करा, 13 का वर्ग होता 169 और 1 माइनस करा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 का वर्ग 1 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मुझे किसका वर्ग करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ। तो आपने देखा 7 का वर्ग करा फिर 11 का, इसका मतलब 4 ऐड करके अगला वर्ग करा। ठीक है, 7 के बाद 11 का वर्ग करा, इसका मतलब 7 4 का ऐड करके वर्ग करा। ठीक है, 4 ऐड करके, ठीक है, 7 के बाद 11 का वर्ग। इसी प्रकार 13 के बाद किसका वर्ग करूँगा मैं, 17 का वर्ग करूँगा। ठीक है, 17 का वर्ग करूँगा प्लस 1 ऐड करूँगा। ठीक है, 17 का वर्ग कितना होएगा, कितना हो जाएगा 17 का वर्ग, 289 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 290। ठीक है, 290, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आया हुआ क्वेश्चन है SSC CGL में। ठीक है, किसमें आया हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तरीका आपको क्या करना है, देखना है किसी के वर्ग के या घन के आसपास तो नहीं है ये। ठीक है, देख लिया हमने, देखा किसी के वर्ग के घन के आसपास नहीं है, तो आपको क्या देखना है, 210 से कितना हुआ है, 210 से कितना हुआ है, 380। ठीक है, 210 से 380, इसका मतलब कितना ऐड किया गया होगा, इसका मतलब कितना ऐड किया गया होगा, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे सर, 170 ऐड किया गया है। ठीक है, कितना ऐड किया गया है, 170। तो मैं कहूँगा ये रूल आप यहाँ पर लगा कर देखो, पहला रूल तो यही कहता है हमारा। तो जब हम इसमें 170 ऐड करेंगे, जब 182 में 170 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 300, कितना आ जाएगा, 352, कितना आएगा, 352। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC CGL 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, उसी प्रकार मैं वीडियो आगे की बनाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है,
बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको देखते ही माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तो आप सारा चैप्टर जब पढ़ लोगे तो आप किसी भी बुक से जब क्वेश्चन लगाओगे तो आप देखते ही आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, यार ये क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता था, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने देखा सात को पचास से संबंधित है, इसका मतलब सात का वर्ग करा गया है, सात का वर्ग प्लस एक करा गया है, ठीक है, सात का वर्ग प्लस एक। उसी प्रकार 122 किस तरीके से आ सकता है, तो मैंने इसने बताया यहाँ पे क्या संख्या आएगी, तो यहाँ पे मैं 11 लूँ और उसका वर्ग करूँ प्लस एक करूँ तो 122 मिल सकता है। आप बोलो 11 का वर्ग 121 और 122, ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं और धीरे पढ़ाऊँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दिए, मैं और जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर में बहुत टाइम लग चुका है इसमें और अभी भी एक एक्सरसाइज और बची हुई है, ठीक है, एक चैनल दो एक्सरसाइज अभी बची हुई है, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग जाएगा और चैप्टर भी कम्प्लीट करने हैं हमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा दोबारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 48-62 का संबंध 24-31 से है, तो 64-82 का संबंध किससे होगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, आसानी से हम कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मैंने बताया ना, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लाओगे इसको, विद इन सेकेंड क्वेश्चन के आंसर लाओगे, ठीक है, एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लो, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस तरीके से आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर कोई सी बुक से क्वेश्चन लगाना, विद इन सेकेंड क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। आपने क्या देखा, 48-62 का आधा होकर ये लिखा गया है, ठीक है, इसका पहले वाले का आधा करके इसने दूसरा वाला लिख दिया, ठीक है, तो ये रूल मुझे आगे अप्लाई करना पड़ेगा, 64-82 का आधा करके मुझे आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा 64-82 का आधा कितना हो जाएगा, 32-41, ठीक है, 64 का आधा 32 और 82 का आधा 41, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद इन सेकेंड क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन आया हुआ RRB में, ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखते कोई जरूरी नहीं, इस क्वेश्चन की तो आप खुद भी कर सकते थे, ठीक है, RRB में आया क्वेश्चन 2011 में। आपने क्या देखना है, आपको ऐसा क्वेश्चन देखते ही मैंने बताया था, अगर आप पहले देख लो ये संख्या किसी के वर्ग या घन तो नहीं है, आपने देखा ये 8 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ठीक है, ये 12 का वर्ग है, तो 8 का फिर 10 का फिर 12 का अगला वर्ग किसका होना चाहिए, 14 का होना चाहिए, नहीं, 14 का वर्ग कितना होगा, 196, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 196, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 133 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें करना है, यहाँ पे देखेंगे हम 11 को 5 किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, इसने, अगर आप इसमें कोई भी रूल लगा सकते थे, पहला रूल आपको ये देखना है प्लस माइनस वाला, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, मान लो अगर मैं 11 में से कितना माइनस करूँ जो 5 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 11 में से कितना माइनस करोगे, 6 माइनस कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। उसी प्रकार मुझे अगले में भी 6 माइनस करना पड़ेगा, जब मैं 17 में 6 माइनस करूँगा तो मेरा 11 बचना चाहिए, ठीक है, अगर 11 में कोई भी ऑप्शन 11 नहीं है, ठीक है, अगर किसी भी ऑप्शन में 11 मिल जाता तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, पर ऑप्शन में 11 नहीं है इसका मतलब ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है, तो आपको देखना रूल क्या लगेगा। आपने क्या देखा, पहली संख्या में से एक माइनस कर दो और उसका आधा कर दो, ठीक है, पहली संख्या में से एक माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 और उसका आधा कर दो, ठीक है, यह मिल गया 5। उसी प्रकार मुझे आगे अप्लाई करना पड़ेगा, पहली संख्या में से एक माइनस कर दो, ठीक है, कितना मिलेगा, 16, उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, आधा 8, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, आपको बिल्कुल आपके माइंड में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आने चाहिए, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। आपने क्या देखा इसका पहले वाले का वर्ग ये लिखा गया है, ठीक है, पहले वाले का वर्ग है ये, ठीक है, 0.01 का वर्ग होता है, कितना,
0.0001, ठीक है। आपको अगर ये नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको ये पॉइंट वाले वर्ग भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका वर्ग क्या आएगा, तो 0.05 और इसका वर्ग आप देखोगे तो कितना देगा, 0.0025, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं आपको समझ नहीं आया है तो ठीक है, मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूँ जो यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे क्या देखा तुमने, पहले दो के बाद पॉइंट था, ठीक है, दो संख्या से पहले पॉइंट था। अब यहाँ पे देखा हमने तो यहाँ पे चार संख्या से पहले पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने दो संख्या से पहले पॉइंट था, तो अगला जो होनी चाहिए चार संख्या से पहले पॉइंट होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा है जिसमें चार संख्या से पहले पॉइंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, ये बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है जो बिल्कुल अभी करा था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल अभी करा था हमने, आपने देखा हो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। पिछले भी अभी करा था हमने, अगर आपके दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन जब हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, दो एक एक, दो को क्या लिख दिया इसने, आठ एक एक आठ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसने दो को जो आठ कर दिया, ठीक है, कितना ऐड कर दिया, छः ऐड करा। जहाँ भी दो था इसने उसमें क्या ऐड करा, उसने इसमें छः ऐड कर दिया, ठीक है। उसमें कितना ऐड कर दिया, छः ऐड कर दिया। अगर एक जहाँ भी एक था उसने एक को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है। तो आगे भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें भी यही रूल अप्लाई करेंगे, एक दो दो एक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक को इस तरीके लिखे रहने देंगे, और जहाँ भी, ठीक है, जहाँ भी दो उसमें क्या ऐड करेंगे, छः ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, आठ, छः ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आठ, और एक को इस तरीके लिखे रहने देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, एक आठ आठ एक, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक आठ आठ एक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 आया हुआ क्वेश्चन है SSC 10, ठीक है। आपने क्या देखा, ये देखा आपने, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखते रहना चाहिए। पहले वाले का वर्ग करा गया, 10 का वर्ग 100 प्लस 1 कर दिया, ठीक है, पहले वाले का वर्ग करा उसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार इसका करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 400, और उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 401, ठीक है, कितना हो जाएगा, 401। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन थे ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 यूपी पुलिस SI में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी। तो दोस्तों हम कल को इस एक्सरसाइज को भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, कल को इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे, कल को लास्ट क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि पहले वाले का वर्ग करो। ये अगर आपके दिमाग में अगर एक डाउट आ रहा है जोड़ने वाला, तो आप लगाकर देख सकते हैं, ठीक है, जो भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, प्लस माइनस वाला आ रहा है, तो उसे लगाकर देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं लगाऊंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको तरीका बता रहा हूँ कौन सा तरीका इसमें फॉलो होगा, ठीक है। तो आपने देखा पहले वाले का वर्ग करेंगे कितना होगा, 81, और उसकी गुणा 2 से कर देनी है, ठीक है, पहले वाले का वर्ग करना और उसकी गुणा 2 से कर देनी है। तो कितना जाएगा, 81 दुना कितना जाएगा, 162, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रूल मुझे यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। पहले वाले का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, कितना जाएगा, 16, उसकी गुणा किससे कर देनी थी, उसकी गुणा किससे कर देनी है, नहीं, 8 का वर्ग कितना जाएगा, 64, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, 8 का वर्ग कितना जाएगा, 64, उसकी गुणा किससे कर देनी है, 2 से कर देनी है, तो कितना आएगा, 128, कितना आएगा, 128। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, 38 समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन सबसे अलग है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश करना। इसने बोला है 5 का संबंध किससे है, 100 से, और 4 का संबंध 64 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या देखा हमने, कितने की गुणा मल्टीप्लाई करेगी, डायरेक्ट ही दिख रहा है हमें, मल्टीप्लाई करेगी इसमें कितने की, 20 की करेगी, ठीक है, 20 × 5 = 100, यहाँ पे कितने की करेगी, ये 16 की मल्टीप्लाई 4 में, ठीक है, यहाँ पे 20 की पहले,
फिर कितने की, 16 की, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई, 20 की, ठीक है। फिर इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेगी, करनी पड़ेगी किसकी, करनी पड़ेगी किसकी, करनी पड़ेगी 16 की, 16 * 3 = 48, कितना आएगा, 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।